नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी और आज बात होगी तेलंगाना की, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और तेलंगाना में कांग्रेस ने एक कैसा कह सकते हैं कि बहुत ही भारी बहुमत से जीत हासिल कर ली है। यहां पे तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि आखिर BRS कहां पे चुकी? क्या मुस्लिम वोटर्स ने BRS को धोखा दिया? क्या असदुद्दीन ओवैसी यानी AIMIM ने जो BRS को ऐसा कह सकते हैं कि सहयोग दिया था, वो सहयोग काम नहीं आया? और कहां पे मुस्लिम वोटर्स ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और बड़ी संख्या में सामने निकल के आए कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी की पार्टी को, प्रियंका गांधी की पार्टी को, मल्लिकार्जुन खड़गे की पार्टी को, कांग्रेस को तेलंगाना के सत्ता में काबिज कर दिया। यह पहली बार हुआ है जब तेलंगाना बनने के बाद से BRS के बाद कोई दूसरी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है। बीजेपी अटकती नजर आई, बहुत ही लो लेवल पे है, बट पिछली बार से अच्छा परफॉर्मेंस दिख रही है बीजेपी की, लेकिन BRS बहुत ही खतरनाक तरीके से नीचे गिरती नजर आ रही है और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर मुस्लिम वोटर्स का माना जा रहा है। 13% आबादी है मुस्लिम वोटर्स की और ये मुस्लिम वोटर्स तेलंगाना में किस तरफ चले गए, इसके बारे में आज हम बात करने वाली है। पूरी की पूरी रिपोर्ट देखिए और तेलंगाना में कांग्रेस की विजय यात्रा को भी देखिए। दरअसल तेलंगाना में AIMIM BRS के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। ओवैसी हैदराबाद के आसपास के सीटों पर लड़े थे और अपने प्रत्याशियों को उतारा था। वही 119 सीटों वाली विधानसभा में इस बार भी ओवैसी ने सिर्फ 9 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे थे, बाकी सीटों पर उन्होंने BRS को समर्थन दिया था। लेकिन इस बार मुस्लिम वोट बैंक हैदराबाद से बाहर ओवैसी से दूर जाते दिख रहे थे। सीएम KCR के विधानसभा क्षेत्र गजवेल में कई मुस्लिम वोटरों का मानना था कि KCR और भाजपा आपस में मिले हुए हैं, ऐसे में BRS को वोट देने से बीजेपी को मदद मिलेगी। BRS को लेकर मुस्लिम वोटर्स के मन में शक था। शक ये था कि कुछ वोटरों का कहना था कि मुसलमान होने के नाते हमें KCR से कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें संदेह है कि वह बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कुछ समय पहले जब उनकी बेटी की कविता को कथित दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया था, तभी से इस गड़बड़ी का संदेह लगाया जा रहा था। तेलंगाना में बीजेपी अभी रेस में नहीं है और पार्टी यहां अपना जनाधार बनाने में लगी हुई है, लेकिन इस चुनाव में ऐसा लगा कि बीजेपी ने पिछली बारी से थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस किया। इस चुनाव में कांग्रेस और BRS के बीच टक्कर की बात शुरू से ही कही जा रही थी और BRS के सामने कांग्रेस एक मुखर पार्टी के रूप में खड़ी हुई और इस बार तेलंगाना को जीत लिया। अब अगर मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के साथ आ गए हैं, अब ऐसे में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन के पीछे सबसे बड़ी वजह मुस्लिम वोट बैंक को भी माना जाता है। अभी तक वैसे इस वोट बैंक में सेंध लगा रहे थे, इसी वजह से कई सीटों पर कांग्रेस पीछे रह रही थी, लेकिन अब कांग्रेस ने उन सीटों को भी जीत लिया है और इस बार तेलंगाना में अपनी सरकार बनाई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।